नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी का खास कार्यक्रम सॉल्यूशन और मैं हूँ आपके साथ महिमा। तो दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन में बात करने जा रहे हैं आपके सेहत की। सेहत की यदि बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे किडनी की। जी हाँ, और इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूरोलॉजिस्ट, यानी हिंदी में कहे तो मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत तिवारी जी। और सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और स्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं डॉक्टर पुनीत तिवारी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। सर, यदि हम किडनी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बताइए, किडनी में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पर आजकल देखी जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। किडनी में बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जो कि खाने पीने से होती है, जैसे कि स्टोन डिसीज या किडनी बार बार इन्फेक्शन होना। दूसरी तरह बीमारियां होती हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं, और उसमें कई बार किडनी फेल हो जाती हैं। तो कभी भी कोई लक्षण को किडनी संबंधी या पेशाब में मात्रा अधिक आना या पेशाब में कंट्रोल ना होना या कोई भी यूरिन संबंधी लक्षण हो तो तुरंत अपने आसपास डॉक्टर को दिखा लें, जिससे कि बीमारी बढ़ने से पहले खत्म हो जाए। जी सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट को लेकर। यूरोलॉजिस्ट में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर यदि हम यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, और यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों का संबंध आपस में कहीं ना कहीं होता है, इसके बारे में कुछ बताइए, लोगों की भ्रांति को कैसे दूर करें। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में बोला जाए तो यदि किडनी फेल हो गई और आप डायलिसिस करा रहे हैं तो इसका मतलब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, और जब किडनी फेल नहीं हुई है और उसके पहले किडनी को बचाना है तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। जी, सिंपल सा। यदि अगर सर्जरी की बात की जाए तो यूरोलॉजिस्ट, यदि मेडिकेशन की बात की जाए तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। जी बिल्कुल। और सर, इस किडनी में होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ बताइए, कैसे ट्रीट किया जाएगा। किडनी में डिपेंड करता है बीमारी कौन सी हुई है। अपन जैसे बहुत सामान्य बीमारी की बात करें तो स्टोन डिसीज सबसे कॉमन बीमारी है। तो स्टोन के लक्षण जो होते हैं उस पर बात करते हैं। लक्षण यूजली उसमें दाएं या बाएं हिस्से में पेट के दर्द होना, या यूरिन का मात्रा में कम होना, या दर्द के साथ उल्टियों का आना, पेशाब में ब्लड का आना, या पेशाब का रुक रुक के आना, ये सब लक्षण स्टोन डिसीज में आते हैं। और दर्द इतना ज्यादा होता है कि तुरंत उसको किसी आसपास के डॉक्टर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है या कंसल्ट करना पड़ता है। ये प्राइमरी लक्षण होते हैं। और फिर अपन जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, यूजली अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पर है, उसके आधार पर निर्णय होता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन ज्यादातर केस में 1 सेंटीमीटर से कम पत्थरियां जो होती हैं वो दवाइयों द्वारा निकल जाती हैं। तो लेकिन उसमें ये भी निर्भर करता है कि उसका अंतराल कितना है। अगर आज आपको दर्द हुआ और आप 15 दिन बाद दिखाएंगे तो उसके अपने आप निकलने की संभावना कम होती आती है। सर, हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ गई है। बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। आकांक्षा, नाम बताए, प्रॉब्लम बताए। जी, मैं शीना बात कर रही हूँ। जी जी, भोपाल से। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि ये जो किडनी की प्रॉब्लम है और जैसे स्टोन भी है अगर बॉडी में, तो उसका इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? क्योंकि दर्द तो है पेट में और उसी जगह है, वो तो पता कैसे चलेगा कि ये वही प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए? किडनी के जो स्टोन्स होते हैं शीना, यूजली ये पेट के दाएं और बाएं हिस्से में दर्द, और वो दर्द आगे से पीछे से आएंगे की तरफ या आगे से पीछे की तरफ जाएगा। यदि पेट के बीच के हिस्से में दर्द हो रहा है तो अन्य कारण हो सकता है। तो यूजली किडनी का प्रेजेंटेशन राइट और लेफ्ट साइड में दर्द के साथ होता है, या पेशाब की मात्रा में कमी, या यूरिन का बार बार जाना, या यूरिन में जलन आना। ये 4-5 लक्षण है जिससे अपन पता कर सकते हैं किडनी का स्टोन हो गया है। यूजली 7 mm से कम स्टोन जो होते हैं, जो अगर वो मूव नहीं करते, किडनी के अंदर रहते हैं, उनमें लक्षण नहीं आता है। इसका मतलब नहीं कि आपको किडनी संबंधी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बेटर होता है कि कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले अपन उसको डायग्नोस करके ठीक करा लें। अगर आपको पता है कि आपको स्टोन है और कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो 3 मंथ में सोनोग्राफी करा के एक बार चेक कराते रहना चाहिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है नंबर, आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सॉल्यूशन में पा सकते हैं डॉक्टर पुनीत तिवारी के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल मैं करना चाहूंगी, किडनी में कॉमन प्रॉब्लम है स्टोन की। स्टोन किस वजह से बनता है, इस वजह किसको बताइए? स्टोन भी जो बनने का होते हैं 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है 12 साल की उम्र से कम होने वाले स्टोन, और 12 साल के बाद के स्टोन। यूजली जो बड़ों में स्टोन होते हैं वो
खान पीन और रहन सहन से अंतर पड़ता है उसमें, और उसके बहुत मुख्य कारण वही है। और बच्चों में जो स्टोन होते हैं उसमें यूजली बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम किडनी होती है, उनके कारण स्टोन होता है। इसलिए जब भी बच्चों में कोई स्टोन लेके कोई पेशेंट आता है तो उसको हम बहुत थारोली बहुत ही गंभीरतापूर्वक उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसकी पूरी लाइफ आई पड़ी है और स्टोन उसको बाद में प्रॉब्लम करेगा तो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़ों में जो होता है वो स्टोन यदि पहली बार होता है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, वो एक बार स्टोन बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं उसमें। लेकिन अगर बार बार स्टोन बन रहा है तो आपको खान पीन में अपना बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसे में हम दो तरीके से पता कर सकते हैं कि स्टोन क्यों बन रहा है। पहला कि स्टोन अगर मिल जाता है तो उसका अपन एनालिसिस करते हैं। डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगे, कॉलर संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, सवाल बताएं। मैं पहले एक छोटा सा सवाल था संजय आप जी। हेलो आवाज आ रही है जी? कहिए। अरे मेरे है ना यूरिन के रास्ते में छोटी सी पथरी है, उसकी वजह से कभी कभी क्या है ना टॉयलेट रुक जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय है? हाँ टॉयलेट रुक जाती है और कितनी पुरानी, इस पे डिपेंड करता है कितनी पुरानी पुरानी पथरी है। अगर वो आपने एक महीने से आप उसको ऐसे रुक रुक के पेशाब कर रहे हैं तो इसको लिए अब तुरंत आपको मिलना चाहिए और उसको निकलवा देना चाहिए। और अगर वो कुछ दिन से यदि 4-5 दिन के अंदर है तो वो दवाइयों से ठीक हो सकती है, तो कंसल्ट तुरंत करें। यूरिन अगर पूरा बंद हो गया, और इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी यदि पेशाब की नली को डैमेज हो गया तो पथरी तो ठीक आएगी लेकिन नली डैमेज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग होता है। तो इसलिए बड़ी समस्या से बचने के लिए तुरंत आसपास यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और लंबा ड्यूरेशन है तो पथरी को निकलवा लें। चले संजय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे कि हम पथरी के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहूंगी पथरी यदि स्टोन में किडनी में हो जाता है स्टोन तो क्या वे लगातार बढ़ता जाता है या फिर उसे मेडिकेशन के थ्रू उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, और कितना बड़ा स्टोन होता है जब सर्जरी की बात आ जाती है? जो स्टोन 7 mm से कम होते हैं वो यूजुअली बाय मेडिकेशन निकल जाते हैं और उनके निकलने की संभावना लगभग 80% होती है। तो छोटे स्टोन हमेशा यदि वो लंबे समय तक किडनी पड़े हैं तो 80% स्टोन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं साइज में, क्योंकि उनके ऊपर अदर सॉल्ट होते हैं वो डिपोजिट होते जाते हैं, जमते चले जाते हैं। तो कुछ मेडिकेशन होते हैं, यूरिक एसिड का स्टोन एक बहुत कॉमन है जो नॉनवेज जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनमें होता है। उसमें अपन जो एसडी ग्रीन होती है, नॉर्मल फीमेल व्यक्ति की एसडी ग्रीन होती है, तो एसडी ग्रीन में वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो हमारा कुछ दवाइयां आती है उससे यूरिन अल्कलाइन हो जाती है, उनका नेचर चेंज हो जाता है तो उससे वो पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के स्टोन है, और स्टोन की यूजली 1 cm के नीचे स्टोन में यूजली ऑपरेशन आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, उसमें दवाइयों से मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन 1 cm ऊपर जितना बढ़ता जाता है उतना उसमें ऑपरेशन तरफ पेशेंट बढ़ता जाता है। जी चलो इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल। कपिल बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, सवाल बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था स्टोन के लिए कौन सी दवाई या सीरप जो आती है तुरंत आराम मिल सके संजय? देखो ऐसा है कि मैंने वही बताया आपको कि यदि कुछ दो पत्थर दो तरह के होते हैं इस किडनी में, एक होता है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में बढ़ता है, एक होता है जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट बढ़ता है। तो आपके जो स्टोन किस तरह का उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सॉल्यूशन दिया जाए। यदि आपकी एसिडिक में बन रही है तो आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, और अगर अल्कलाइन से स्टोन से बन रहा है तो आपको एसिडिक देना पड़ेगा। ज्यादा लोग अल्कासुट्टा वगैरह पी लेते हैं, उससे केवल उल्टा प्रभाव पड़ता है और स्टोन बढ़ता चला जाता है। और अपन क्योंकि लक्षण बहुत लेट आते हैं जो अल्कलाइन यूरिन वाले स्टोन्स में, तो इसलिए अपन लगता है अपन ठीक हो गए लेकिन वास्तव में वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब भी कोई ट्रीटमेंट लें आप उसको चेक जरूर करते रहें कि मेरे स्टोन की स्थिति क्या है और किडनी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। चलो बहुत धन्यवाद कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हम स्टोन की बात कर रहे थे तो आपसे जानना चाहूंगे किडनी में स्टोन और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होना, इसके दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं या फिर कुछ नहीं अलग अलग लक्षण होते हैं? किडनी में स्टोन जब होता है वो उसमें भी एक तरह साइलेंट स्टोन होता है जो कि इन्फेक्शन से बनता है, दूसरा स्टोन होता है कि उसमें जो किडनी के जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है वहाँ स्टोन जो बनता है वो स्टोन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसका हल्का दर्द राइट या लेफ्ट साइड में होता है या फिर दर्द आगे से पीछे की तरफ जाता है। और जो ब्लैडर का स्टोन होता है वो जब भी अपन यूरिन पास करते हैं और ब्लैडर सिकुड़ता है तो वो जाके पेशाब की नली में अटक जाता है। तो पेशाब का रुक रुक के आना और पेशाब करने के बाद पेशाब में संतुष्टि न मिलना, ये दो महत्वपूर्ण लक्षण है, या पेशाब में ब्लड आना, ये पेशाब की थैली में स्टोन होने का मुख्य लक्षण है। अगर किसी को यूरिन कंटिन्यू नहीं हो पा रही है या आधा यूरिन करते हैं आधा रुक जाता है तो इसे स्टोन हो सकता है कि ब्लैडर में स्टोन है। यस यस जी। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जिनको यूरिन की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप?
यदि 40 साल के बाद यूजली एक ग्रंथि होती है जिसमें प्रोस्टेट के जो पेशाब के रास्ते उसको प्रोस्टेट कहते हैं, वो बढ़ना शुरू होती है, उसके लक्षण प्रायः 50 साल के बाद आते हैं। रात में एक बार से ज्यादा उठना इस बात का इंडिकेशन है कि आपको ये बीमारी स्टार्ट हो रही है। यदि आप शुरुआत में दिखा लें या लक्षणों के बढ़ने से पहले मरीज दिखा ले तो 90% केस में वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। केवल 10% केस में जिसमें पेशाब रुक जाए टोटल, उसमें भी दवाई ठीक होता है लेकिन उनमें यूजली सर्दी लगती है। दूसरा, यदि ब्लड बार बार आ रहा है या इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या फिर उनको किडनी में प्रॉब्लम हो रही है बैक प्रेशर के कारण से, उन केस में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो प्रोस्टेट के 90% मरीज दवाइयों से ही ठीक होते हैं। तो समय से दिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप रात में एक बार ज्यादा उठें तुरंत कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, स्टोन रिमूव करते हैं सर्जरी के द्वारा, कितने टाइप के सर्जरीज आप करते हैं सर? सर्जरी जो होती है स्टोन में, आजकल ओपन सर्जरी का कोई रोल नहीं रहा। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले था तो ओपन सर्जरी कराना मेरे ख्याल से अब आज की डेट में बिल्कुल गलत है। और सर्जरी आजकल इंडोस्कोपिक होती है, तो आप कुछ स्कोप्स आ गए हैं जिससे आप किडनी के हर हिस्से में आप यूरिन के रास्ते जा सकते हैं, तो कट वगैरह नहीं लगता है। लेकिन जो स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उसमें आपको पीठ के रास्ते एक छोटा सा छेद करते हैं करीबन 1 मिलीमीटर का, उसमें से लेजर डाल के आप स्टोन को पूरा डस्ट करके निकाल सकते हैं। जी, शायद इसे दूरबीन का तरीका भी कहा जाता है। हां, अपने एक्चुअली अपने यहाँ पे हर चीज दूरबीन होती है, तो दूरबीन में इन जनरल टर्म है उसको हम लोग मिनी पर्क या पीसीएनएल कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जिन्हें तसल्ली नहीं रह जाती, उन्हें लगता है कि स्टोन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो सकता, उन्हें लगता है चीरा फाड़ी करके सर्जरी करके स्टोन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ओपन सर्जरी होती है तो उसमें वो उंगली से फील करके स्टोन निकालते हैं, तो उसमें कई बार उंगली इतने हिस्सों में नहीं पहुंच पाती जहां पर स्टोन हो। लेकिन जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है उसमें एक्सरे मशीन आपके साथ में ओटी में रहती है, तो एक्सरे से आप चेक करते थे स्टोन कहाँ कहाँ है और सारे स्टोन निकल जाते हैं। तो स्टोन ऐसी चीज है कि आपको 50% चांस है कि 5 साल में दोबारा होगा, तो उसके लिए आप कितने बार ओपन सर्जरी कराएंगे। तो इसलिए ओपन सर्जरी कराने से मांसपेशियां वीक होती हैं, हमेशा दर्द बना रहता है, नर्व डैमेज होती है, बहुत सारे नुकसान है, इसलिए हमेशा दूरबीन वाली पद्धति से ही जाना चाहिए। चलिए सर, हमारे साथ एक और कॉलर अक्षय जुड़ गए। अक्षय, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, सवाल बताए। जी अक्षय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से कहिए। गॉल ब्लैडर में पथरी जो होना है ये एकदम अलग विषय है। इसमें गॉल ब्लैडर की पथरी में यदि वो साइज उसकी 8 mm से बड़ी है, यदि मल्टीपल बहुत सारी पथरियां हैं, तो उसमें केवल एक ही उपाय होता है कि उसकी दूरबीन द्वारा उसको निकलवा दें। उसमें दवाई का कोई रोल नहीं, क्योंकि जितनी भी जटिलता है उसके कारण होती है वो सब बड़ी गंभीर है। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक यदि कोई लक्षण नहीं हो गॉल ब्लैडर में पथरी है तो ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं होती कि आपको आज ही निकलवाना है, लेकिन उसको समय रहते निकलवा लें, क्योंकि बाद में जब भी वो प्रॉब्लम करेगी उसकी जटिलता होगी, उसमें दवाई का कोई रोल नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपसे भी जानना चाहूंगी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर 5 या 10 मिनट के अंदर यूरिन का प्रॉब्लम होता है, इनके बारे में बताइए क्यों ये दिक्कत होती है? ये बीमारी जो महिलाओं में बहुत कॉमन होती है, इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसमें ब्लैडर बहुत सेंसिटिव जाता है, जब भी थोड़ी सी पेशाब आती है और उसको कंट्रोल करके कंट्रोल नहीं हो पाता, तुरंत भागना पड़ता है और कई बार वो निकल भी जाती पहुंचते पहुंचते। तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट जो है मेनली जैसे कोई अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें कि पानी कई बार थोड़ा थोड़ा करके पिए, कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करें, स्पेशली शाम को ना पिए, और यूरिन को कुछ निश्चित अंतराल के बाद करें। इसके अलावा भी अगर इसके बाद भी आपकी यूरिन कंट्रोल नहीं होती तो आपको एक छोटी मोटी थोड़ी एक दो गोलियां आती हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लेना तो वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। सर स्टोन महिलाओं में कम देखा जाता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, इसके पीछे कुछ तथ्य है क्या? इसके पीछे ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज्यादा है पुरुषों में कम होता है, इसका ऐसा बोल सकते हैं कि आप पुरुष जो बाहर काम करते हैं तो खाना पीना उनका बाहर का ज्यादा होता है, जंक फूड ज्यादा लेते हैं या सॉल्ट इनटेक ज्यादा रहता है, इस कारण से पुरुषों में ज्यादा होता है। लेकिन अनुवांशिक रूप में ऐसा बहुत डिफरेंस मेजर नहीं है। और दूसरा, महिलाएं थोड़ा सा कई बार इग्नोरेंट भी रहती हैं तो वो स्टोन को अवॉइड करती रहती है, थोड़ा दर्द सहन कर सकती है, तो लेट प्रेजेंटेशन होता है, उस कारण से महिलाओं में डिटेक्ट कम होता है। जी बिल्कुल। और बच्चों में भी आजकल स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बच्चों में मुख्य कारण आजकल जंक फूड का होना, कि पिज्जा बर्गर चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, उसमें सब में सॉल्ट ज्यादा होता है, सॉल्ट एक मुख्य कारण है स्टोन होने का। और बच्चों में यूजली हम लोग जब स्टोन देखते हैं तो उनको पूरी तरह से पूर्णतः बैन कर देते हैं कि आपको जंक फूड अप टू कम से कम 3-4 साल तक नहीं लेना है, क्योंकि यदि जंक फूड आप लेते रहेंगे तो आपको स्टोन बार बार बनता रहेगा। इसलिए हमारे साथ एक और कॉलर विजय जुड़ गए हैं। विजय बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, सवाल बताएं। जी मेरा सवाल ये था कि पथरी में पथरी ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
विजय एक बार और आप रिपीट कीजिए अपना सवाल। पथरी ना हो इसलिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पथरी ना होने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? पथरी आपको एक बार हुई तो दोबारा होने की संभावना रहती है, इसलिए आप हमेशा अपना पानी की मात्रा ज्यादा रखें। आपका यूरिन की मात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय की पानी पीने के, तो आपका टारगेट होना चाहिए आप सप्ते दो हफ्ते में जब भी आप फ्री रहें तो एक बार 24 घंटे की अपनी यूरिन नाप लें। अगर वो यूरिन की मात्रा 2.5 से 3 लीटर के बीच रहती है तो आप उसको उतना पानी सफिशियंट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है बहुत कम पानी भी नहीं पीना है, इतना पानी पीना कि आपकी यूरिन की मात्रा 2.5 से 3 लीटर हो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। दूध के लिए बड़ी भ्रम होता है कि दूध पीना लोग बंद कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम अपने यहाँ जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट जो 80% लोगों को है आज भोपाल में, उसमें दूध पीने से फायदा, कैल्शियम अगर नहीं जाएगा तो वो उल्टा बनना शुरू हो जाता है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल कम ना करें, वो एडिक्वेट अमाउंट में लें क्योंकि वो आपके बोन्स को भी हेल्दी करता है और स्टोन को भी रोकता है। और पानी की मात्रा और नमक दो चीजें कंट्रोल कर लें तो आपका पथरी बनने के जो 50% चांस है वो लगभग 5% हो जाएंगे। थैंक यू सो मच विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपसे भी जानना चाहूंगी, यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसका डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा है, उन्हें स्टोन का प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? सर्जरी तो ऐसी कंडीशन में की नहीं जा सकती, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर्जरी एक तरह का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में कई बार डायबिटिक के पेशेंट में वैसे भी शुगर बढ़ जाती, तो हम लोग का प्लान ये रहता कि 2 दिन पहले से उनको जो दवाई चल रही है वो चलती है, उसके बाद उसके अलावा भी 6-6 घंटे में हम लोग शुगर चेक करते हैं और उसको एक इंसुलिन अलग टाइप का आता है जो कि तुरंत शुगर कंट्रोल करता है, वो वाला इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल करके स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करके फिर उनको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनेजमेंट होता है क्योंकि उनकी किडनी भी थोड़ा वीक होती है, जिनको लंबी डायबिटीज होती है उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो उस केस में बहुत ही स्ट्रिक्टली शुगर कंट्रोल करना पड़ता है एटलीस्ट 5 डेज के लिए, जब तक ऑपरेशन का तो रिकवरी नहीं होती। जी बिल्कुल। और यदि एक बार स्टोन रिमूव हो गया तो उसके बाद क्या परहेज करना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए पेशेंट का? डायबिटीज के हिसाब से तो डाइट प्लान रहते ही उनका, लेकिन अब मैं यूजली प्रेफर करता हूँ कि स्टोन का अपन टेस्ट कराएं और स्टोन में पेशेंट को देता हूँ, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम लोग डाइट का पूरा चार्ट बनाते हैं कि कैसे क्या करना है और क्या चीज खाना क्या नहीं खाना। जो पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मैंने उनमें बहुत रेयर देखा कि दोबारा वो स्टोन लेके आए, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट काम है इंडिया में, तो वो मैं कम लोग कर पाते हैं। जी बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूंगी, पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में पेशाब का जो रास्ता है वो संकीर्ण हो जाता है, इसकी वजह बताइए। पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में क्या ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल्स में जो कि रास्ते को स्वस्थ रखता है, वहाँ की जो स्किन को स्वस्थ रखता है, वो धीरे धीरे वहाँ की स्किन ड्राई सूख जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो मुंह है उसका पेशाब की नली का वो भी सूख जाता है, उसके सिकुड़ने से जो पीछे से यूरिन आ रही है उसके प्रेशर से पूरा रास्ता धीरे धीरे डैमेज होता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि यूरेथ्रल डायलटेशन, मतलब बार बार हर 3 महीने में महिला आती थी उसको बड़ा करा के व्हाइट करा के आ जाती, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें यूरेथ्रोप्लास्टी होती है जिसमें हम कहीं और की चमड़ी से उसका नई ट्यूब बनाते हैं, तो वो परमानेंट इलाज, उसके बाद आपको डायलटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप यूरेथ्रोप्लास्टी कराएं बजाय की डायलटेशन की। जी सर, क्योंकि आप किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो सर आपसे जानना चाहूंगी ट्रांसप्लांट की कंडीशन कब हो जाती है? ट्रांसप्लांट की कंडीशन जब होती है जब क्रिएटिनिन बिल्कुल 7 से ऊपर हो और रेगुलर डायलिसिस पेशेंट आ जाता है, मतलब वो उसका जो यूरिन की मात्रा एकदम कम हो जाती है, तब ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, एक होता है हीमोडायलिसिस जो कि रूटीनली डायलिसिस पेशेंट करते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि घर में कर सकते हैं लोग, उसमें एक सॉल्यूशन आता है, उसमें पेट में एक मशीन डिवाइस फिट हो जाती है, उससे सॉल्यूशन पेट में डालिए अपना दिन भर काम कीजिए और शाम को उससे खाली कर दीजिए, तो वो घर में कर सकता है। तीसरा होता है ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट परमानेंट इलाज है और ट्रांसप्लांट ही बेहतर इलाज है, तो अगर आपको कहीं किडनी फेलियर के पेशेंट है और उनको यदि अच्छी जिंदगी जीना है तो ट्रांसप्लांट में जाएं और कोशिश करें। किडनी फेलियर की आप बात करें, किडनी फेलियर की कंडीशन कब आ जाती है? स्टोन को से रिलेटेड ही? स्टोन से, स्टोन में किडनी फेलियर की अवस्था बहुत ही लेट आती है, लेकिन हम यूजली ये शायद मैं बाहर बहुत रहा हूँ तो मैंने बाहर कभी नहीं देखा, लेकिन इंडिया में हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनको दोनों तरफ स्टोन है, दोनों किडनी ब्लॉक है, 6 महीने से ब्लॉक है और उनका जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर में 6 गुना बढ़ गया है, लेकिन उन केसेस में सिंपल स्टोन निकालने का 1 दिन का काम होता है, 1 या 2 दिन से कोई पेशेंट रुकता नहीं, वो अगर काम करा लें तो किडनी बच जाए, लेकिन थोड़ा सा इग्नोरेंस अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है कि लक्षणों पर ध्यान देते हैं और या पत्थर चट्टा वगैरह खाने लगते हैं तो फिर वो चीजें लेट होती चली आती हैं और फिर जब आते हैं तो बहुत मुश्किल आता है ऐसे पेशेंट को। ट्रांसप्लांट के बाद किस तरीके से पेशेंट को केयर करना है? ट्रांसप्लांट बाद सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो इन्फेक्शन की होती है, क्योंकि इन्फेक्शन चारों तरफ रहता है, तो हमेशा अपने मुंह में मास्क बना के रखें और कोई भी सर्दी खांसी का पेशेंट भी घर में उससे दूर रहें और अपनी दवाइयां टाइम से लें। खाने में भी मिर्च मसाला कम? नहीं, खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी सादा खाना खाना बेहतर होता है, लेकिन क्योंकि खाने से भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो बाहर का खाना ना खाएं,
कि थोड़ा सा भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इन्फेक्शन पेट में आया तो वो जैसे नॉर्मल व्यक्ति में 3 दिन में कंट्रोल होता है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दवाइयां ऐसी चलती होती हैं जो कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं जिससे किडनी एक्सेप्ट हो जाए। तो उस केस में अगर वो कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट। जी बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूंगे, छोटे बच्चे हैं जो अभी दूध पीते हैं तो क्योंकि स्टोन की वजह कैल्शियम ही माना जाता है, कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो स्टोन बनेगा, तो क्या इन बच्चों को भी चांसेस होते हैं? ये बहुत बड़ा मिसनोवर है, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है कि कैल्शियम से स्टोन होता है। मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन जो सबसे कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। जब ऑक्सीडेट जैसे पालक है, टमाटर है, जामुन है और प्याज की भाजी है, इन सब में ऑक्सीडेट ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडेट अपन जब खाने में लेते हैं तो वो ऑक्सीडेट इंटेस्टाइन से सोख लेती है और उसको किडनी से निकालती है। तो यदि हम कैल्शियम साथ में लेंगे दूध या किसी फॉर्म में तो वो ऑक्सीडेट को पेट में ब्लॉक कर देगा, कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल बन जाएगा तो वो स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम नहीं लेंगे तो आपको स्टोन बनना पड़ेगा। तो हमेशा कैल्शियम को अवॉइड नहीं करना, कैल्शियम आपका दोस्त है। जी बिल्कुल। और कुछ मेडिसिन के बारे में बताइए, कुछ मेडिसिन जिससे डिसॉल्व हो जाते हैं स्टोन्स? स्टोन डिसॉल्व केवल एक स्टोन डिसॉल्व होता है, वो यूरिक एसिड का होता है, बाकी स्टोन डिसॉल्व नहीं होते, वो निकलते हैं सारे। तो कुछ मेडिसिन आती हैं जिससे कि अपन जो रास्ते में फंस जाते हैं स्टोन, उसमें वो रास्ते को वाइड कर देते हैं तो स्टोन इजीली, जैसे 7 इंच का स्टोन है, मैंने दवाई दी वो 8 या 9 इंच का रास्ता हो गया तो वो इजीली निकल जाता है। लेकिन दवाइयों का रोल तभी होता है जब मरीज समय से दिखाए। बिल्कुल। तो सर हमारे साथ एक कॉलर अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, सवाल बताएं। थैंक यू मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं कभी कंटिन्यूअसली मोबाइल या इस टीवी स्क्रीन में देखता हूँ तो मेरे आंखों में दर्द और सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि सर दर्द ना हो? अनूप सिंपल सी बात है अनूप, एक तो टीवी देखना बंद कर दो, पढ़ाई मन लगाओ और दूसरा अपना एक आंख वाले डॉक्टर से चश्मा चेक कराओ। सिंपल सा काम है। तो तुम सॉल्यूशन तुमने खुद ही बताया कि तुम उसका जड़ क्या है, जड़ तुम खत्म कर दो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर भी एक आंख वाले डॉक्टर को दिखाओ कि हेडेक होना अच्छी बात नहीं है। डिस्टेंस करके आप टीवी देख सकते हैं और अपना रेगुलर आई चेकअप आप लीजिए, आई चेकअप से कंसल्ट। जी बिल्कुल। चले बहुत धन्यवाद अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसमें जो स्टोन्स होते हैं तो इसमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है कि इस तरह का स्टोन है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो स्टोन का टेस्ट करा लें या फिर 24 घंटे की यूरिन इकट्ठा करके उसमें क्या कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो स्टोन बढ़ने को बढ़ाते हैं, कुछ होते हैं इनहिबिटर्स जो स्टोन बनाने को रोकते हैं, इनका मिसमैच जब होता है तब स्टोन बनता है। तो हम 24 घंटे की यूरिन इकट्ठा कराते हैं और उसमें उन तत्वों को चेक करते हैं कौन सा तत्व इसमें ज्यादा है कौन सा तत्व कम है, उसको सप्लीमेंट करने से वो स्टोन का अपन जो 50% चांस है उसको 5% कर सकते हैं। कब जीरो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। जी सर कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए, बेसिक सिम्टम्स जैसे इंसान जानकर पेशेंट समझ में आ जाए उन्हें कि हमें स्टोन है, अब डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएं। इसे मुख्य सिम्टम है कभी भी अपनी कमर के अगल या बगल में राइट और लेफ्ट साइड में हल्का पेन हो कभी भी, और वो पेन ज्यादा पानी पीने से बढ़े या वो पेन पीछे से आंखें की तरफ आए या यूरिन में ब्लड आए या यूरिन करने में जलन हो या फिर आपको दर्द के साथ उल्टियां तो ये भी संकेत है। यूरिन रुक रहा है वो बहुत कारणों से होता है, उसमें स्टोन एक कारण है, लेकिन वो तब होता है जब वो ब्लैडर में स्टोन आया था, अदरवाइज नहीं। तो किडनी स्टोन के यूजुअली सिम्टम आपको हल्का डल एकिंग पेन साइड में होता रहेगा, वो एक मुख्य कारण है। और जब भी पेन होगा आपको हल्की जुकारी आना या उल्टियां जैसा फील होना वो साथ में हो सकता है। डॉक्टर तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है आपके सेहत को लेकर, आपके किडनी को लेकर कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने कीमती समय निकालकर हमें दिया और हमारे दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने शेयर की है। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे आज के सॉल्यूशन हमने बात की किडनी की, आप किस तरीके से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं। और अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी किसी और विशेष मेहमान के साथ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें नादी टीवी। नमस्कार।